हेलो लर्नर्स, दिस इज़ योर प्रेजेंटर अभी। हम फिर से एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि संस्कृत के विद्यार्थी के लिए बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो सीरीज है PYQ सीरीज मॉक टेस्ट, जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे रिवीजन के लिए। हमने अगर नेट की परीक्षा हमको देनी है, अटेम्प्ट करनी है, तो PVS क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना बहुत ही जरूरी है। उससे हमको एक आइडिया मिलता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए हमने एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से, वो है मॉक टेस्ट लेंगे हम PYQ की सीरीज के। तो सभी विद्यार्थी जिन लोगों ने पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे हम ये कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि नए नए नोटिफिकेशन मिल जाए न्यू वीडियोस के, जो कि हम डालेंगे न्यू वीडियो PYQ की सीरीज के मॉक टेस्ट। सो देखते हैं, आज पहला वीडियो है तो देखते हैं, थोड़ा कम क्वेश्चन रखे, बाद में ज़्यादा क्वेश्चन रखेंगे हम। आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है पृथ्वी सूक्त तो कौन से वेद के वेद में है? पहला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और एक बात कि आप लोग अपना अपना मार्क्स जो ये मॉक टेस्ट देंगे, उनका मार्क्स कमेंट में जरूर कमेंट करना सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए, जैसे किसको कितना मार्क्स मिले हैं। तो पहला क्वेश्चन है पृथ्वी सूक्त तो कौन से वेद में है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है। सो इस क्वेश्चन का हम आंसर देख लेते हैं क्या है, वो अथर्ववेद। ये क्वेश्चन आते हैं पृथ्वी सूक्त या भूमि सूक्त। पृथ्वी सूक्त का दूसरा नाम है भूमि सूक्त। सो पृथ्वी सूक्त कौन से वेद में है? वो अथर्ववेद। और उनका सूक्त संख्या क्या है? 12.1। ये पहला क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है मैत्रेयी शिक्षा मवाप, मैत्रेयी को शिक्षा किसने दिया था? यज्ञवल्क्य ने, पोइला ने, जैमिनी या कौशल्य ने। तो 5 सेकेंड रुकते हैं, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, आंसर लिखते हैं हम। आंसर है यज्ञवल्क्य ने दिया था। कहाँ पे दिया था? यज्ञवल्क्य मैत्रेय संवाद, बहुत ही प्रख्यात संवाद है उपनिषद का, वो है बृहदारण्यक उपनिषद। ये भी क्वेश्चन बार बार आता है, बृहदारण्यक उपनिषद। यज्ञवल्क्य मैत्रेय संवाद कौन से उपनिषद में है? वो है बृहदारण्यक उपनिषद। और मैत्रेय को शिक्षा किसने दी थी? वो थी उनके स्वामी यज्ञवल्क्य ने। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, तीसरा है निरुक्ति अष्टि, वेद मंत्रांग संग्रह, वैदिक शब्दांग निर्वचनम, वेद मंत्रांग स्वर विवेचनम, वैदिक यज्ञांग प्रक्रिया। तो 5 सेकेंड दे रहे हैं, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आंसर देखते हैं वैदिक शब्दांग निर्वचनम। ये तो सबको पता है, ये निरुक्त में वैदिक शब्दों का अर्थ दिया गया है, उसका व्याख्या की गई है, मतलब कौन से शब्द कहाँ से आते हैं, कौन से धातु कहाँ से आते हैं। उपनिषद निपात जो है 70 रिपोर्ट जाता नहीं, वो है नामोक्त उपसर्ग निपात, वो सब निरुक्त में उसका डिस्कशन किया गया है। तो निरुक्त में क्या है? वैदिक शब्दों का निर्वचन किया गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यह हमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये ला नहीं, ये दावन से। तांड्य ब्राह्मण, तांड्य ब्राह्मण कौन से वेद में है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। 5 सेकंड देते हैं फिर से, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ओके, क्वेश्चन देखते हैं, आंसर देखते हैं, वो है सामवेद। जो हमारे सारवेद है, सारवेद के अंतर्गत जो कई सारे ब्राह्मण है, वो हमको कंफ्यूज होना चाहिए, वो हमको याद होना चाहिए कौन से ब्राह्मण कौन से वेद के अंतर्गत है। ये क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। तो तांड्य ब्राह्मण कहाँ पे है? वो सामवेद में। यहाँ पे दिया गया है ऋग्वेद में क्या क्या है? ऐतिरेय ब्राह्मण एंड कौशिटिक ब्राह्मण। सामवेद में क्या है? पंचविंश या उसको तांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं। उसके बाद षडविंश ब्राह्मण, शांडिल्य ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, समविधान ब्राह्मण, आश्रय ब्राह्मण, वंशवाद ब्राह्मण एंड देवता है, कुल मिलाकर 8 ब्राह्मण होते हैं। उसके बाद है कृष्ण यजुर्वेद, तो उसका एक ही ब्राह्मण है, वो है तैत्तिरीय ब्राह्मण। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद, उसका भी एक ही ब्राह्मण है, वह शतपथ। उसके बाद अथर्ववेद, उसका भी एक ब्राह्मण है, वही गोपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नशिकेता पितु नाम, नशिकेता का पिता का नाम क्या था? वाजश्रवास, श्वेतकेतु, यज्ञवल्क या जावाली। फिर से 5 सेकंड देते हैं, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आंसर देखते हैं वाजश्रवास। नशिकेता का पिता का नाम था वाजश्रवण। ये भी बहुत प्रख्यात एक संवाद है उपनिषद का, यम नशिकेता संवाद जो है कथोपनिषद। ये कॉमन क्वेश्चन है, यम
नचिकेता जो संवाद है वो कौन से उपनिषद में पाई जाती है, वो कठोपनिषद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, तिलक अनुसारण ऋग्वेदेश काल, बाल गंगाधर तिलक जी ने ऋग्वेद का काल निर्णय किया था वो कौन, वो कितने समय का था, 5000 BC, 3500 BC, 2500 BC एंड 1200 BC। तो इसका सही आंसर क्या है, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आंसर देखते हैं हम क्या है, आंसर है 5000 BC, बाल गंगाधर तिलक ने ऋग्वेद का काल निर्णय किया था। ये अंतिम अंतिम क्वेश्चन था आज, पहला हीरो इसलिए सिर्फ से क्वेश्चन डाले, उसके बाद 10-10 क्वेश्चन हम डालेंगे। तो आशा करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी, ताकि हमेशा रिवीजन हो सके। और एक बात जरूर कहेंगे, ये पीडीएफ जो है ये नोट्स भी हम डाल देंगे लिंक में, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपके रिवीजन के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए मॉक टेस्ट लगाए कीजिए, ताकि रिवीजन होते रहे, हमें नई नई बातें पता चले। तो ये छोटा सा सीरीज हमने स्टार्ट किए हैं मॉक टेस्ट, जो कि हम फ्रीक्वेंटली पोस्ट करते रहेंगे। तो ये जाते जाते यही बोलेंगे कि संस्कृत ऐसे अमेजिंग नॉलेज, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन मिले। तो आशा करता हूँ सबको अच्छा लगा, आपका दिन मंगलमय हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः।